हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ रेसिपी लेकर आई हूँ फ्राइड इडलीज की, जो कि बहुत ही अच्छा ऑप्शन है हमारे ब्रेकफास्ट के लिए। ये लो इन कैलोरीज एंड फैट होती है। ये एक फर्मेंटेड फूड है जो कि आपके गट हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पे मैंने रवा इडली लिया है लेफ्ट ओवर। आप कोई सा भी इडली ले सकते हैं, चावल उड़द दाल वाली भी इडली बनती है। तो सबसे पहले मैंने इडली को अच्छे से कट कर लिया है। आप कोई सा भी शेप में इडली को कट कर लें। तो देखिए, यहाँ पे मैंने एक एक करके सारे इडलीज को अच्छे से कट कर लिया है। ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनती है। आप वीडियो में बने रहे और देखें मैं कैसे बनाती हूँ। उसके बाद वेजिटेबल्स में मैंने यहाँ पर लिया है फ्रोज़न मटर और कॉर्न। आप फ्रेश कॉर्न और मटर भी ले सकते हैं। तो अभी सीज़न में नहीं था इसलिए मैं फ्रोज़न ली हूँ। कटे हुए प्याज दो मीडियम साइज़, थोड़ी सी अदरक, थोड़ी सी कटे हुए लहसुन, थोड़ी सी हरी मिर्च और एक कटा हुआ गाजर और एक मीडियम साइज़ टमाटर। सबको मैंने अच्छे से कट कर लिया है। कढ़ाई को गरम कर लेंगे। इसमें डालेंगे 3 से 4 चम्मच घी। मैं इस रेसिपी को थोड़ा हेल्दी बनाना चाह रही हूँ इसलिए मैं घी ऐड की हूँ। आप चाहे तो यहाँ पर तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 3 से 4 चम्मच मैंने घी डाला है। उसके बाद यहाँ पे डालेंगे 1 चम्मच काला सरसों। इसे हम थोड़ी देर चटकने देंगे। उसके बाद डालेंगे कड़ी पत्ता और थोड़ा सा हींग। इन सबको हम लो टू मीडियम फ्लेम पे थोड़ी देर पका लेंगे। इसके बाद डालेंगे कटा हुआ अदरक, कटा हुआ लहसुन। यहाँ पे फ्लेम को मैंने मीडियम रखा है और कटी हुई हरी मिर्च। आप हरी मिर्च अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसे हम पका लेंगे कुछ सेकंड के लिए। इसके बाद हम डालेंगे कटा हुआ प्याज। प्याज को मैंने बारीक काट लिया है। तो ध्यान रखें, इन सब वेजिटेबल्स को हमें मीडियम फ्लेम पे पकाना है और ज़्यादा देर नहीं पकाना है, क्रंची रखना है। इसके बाद डालेंगे कटा हुआ गाजर और इसे हम मिला लेंगे। फ्लेम को रखेंगे मीडियम। एक एक करके अब हम सारी वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। इसके बाद डालेंगे हम फ्रोज़न कॉर्न और मटर। इसे भी हम अच्छे से मिला लेंगे। फ्लेम को रखेंगे मीडियम। इसके बाद हम साथ साथ टमाटर भी इसमें ऐड कर देंगे। इसे भी हम अच्छे से मिला लेंगे। इन सबको हमें मीडियम फ्लेम पे 5 से 6 मिनट पकाना है। इन सब वेजीज को हमें हल्का क्रंची रखना है। साथ साथ इसमें डाल देंगे 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। इसे भी हम अच्छे से मिला लेंगे। तो इन सब वेजीज को हम 5 मिनट तक पकाएंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे। हल्का क्रंची रखना है हमें। इसके बाद डालेंगे 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर और 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर। इसके बाद थोड़ा सा टेस्ट बढ़ाने के लिए मैंने यहाँ पे डाला है मैगी मसाला। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। 1 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पे मैगी मसाला डाला है। इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। फ्लेम को रखेंगे लो। तो आपके पास जो मसाला अवेलेबल है आप इसमें डाल सकते हैं या फिर आप मसाला को स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद हम डालेंगे फ्राइड इडलीज जो हमारे पास बचे हुए थे, और यहाँ पे फ्लेम को रखा है मीडियम। इन सबको हम अच्छे से मिला लेंगे मसालों के साथ। तो इडली को हम इन सारे वेजिटेबल्स और मसालों के साथ अच्छे से मिला लेंगे ताकि पूरे इडलीज में अच्छे से कोटिंग आ जाए। इसके बाद हम डालेंगे नींबू का रस। तो 1/2 नींबू का रस मैंने इसमें डाल दिया है। इसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए और पका लेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे। तो यहाँ पे हमारा फ्राइड इडलीज बनके तैयार है। बहुत ही सुपर हेल्दी ब्रेकफास्ट ऑप्शन है। तो आप इसे कब ट्राई कर रहे हैं मुझे कमेंट करके बताना, और आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके बताना। और अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो यहाँ पे मैं इसे खा रही हूँ पीनट सांबर के साथ। किसी दिन ये भी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। थैंक यू।